लेट्स यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन दैट इज सिमेट्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिस्ट एनी फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम और स्कूल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बताने चार आइदर फ्रॉम स्कूल और फ्रॉम होम राइट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो देखिए अगर मैं एक स्क्वेर बनाती हूँ ये एक स्क्वेयर बनाया तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कि इसमें एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना ये देखिए ये मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री है कि जैसा इत, इधर की साइड है वैसा ही इस साइड हो तो वो क्या होती है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसा इधर है मिरर के वैसा ही इधर हो तो वो क्या कहलाते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं तो ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बताने हैं चार जो आइदर फ्रॉम स्कूल स्कूल में से या होम में से जो कि सिमेट्रिकल हो तो कौन कौन से हो सकते हैं तो देखिए तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है मिरर अगर आप मिरर देखें तो वो चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री सेम बन जाएगी तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे दोनों पोर्शन और अगर आप देखें अगर हमारा मिरर रेक्टेंगल है तो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और सिमेट्रिकल होंगे दोनों पोर्शंस तो देखिए ये हमारी सिमेट्रिकल है इसी तरीके से अगर आप सर्कल बनाते हैं मिरर अगर मिरर सर्कल भी है तो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है तो देखिए कैसे देखिए अगर मिरर हमारा सर्कल है या ओवल है तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे दोनों साइड। तो, तो ये ये देखिए क्या हो गया? सिमेट्री हो गई दोनों साइड इधर वाला पोर्शन इधर वाले के सेम है राइट right? तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया मिरर और सेकेंड एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसी तरीके से स्कूल टेबल स्कूल टेबल कह सकते हैं कि हमारा अगर हम बीच में से टेबल को कट करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल आएगी राइट कट करें या लाइन ऑफ सिमेट्री करें लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है आइडेंटिकल हो दोनों ऐसी लाइन खींचना कि दोनों पोर्शंस आइडेंटिकल हों तो अगर हम टेबल के में बीच लाइन खींचेंगे तो दोनों पोर्शंस आइडेंटिकल होंगे अब इसी तरीके से और एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर आप जार्स देखें जार विदाउट हैंडल अगर जार विदाउट हैंडल जिसमें हैंडल नहीं है वैसा जार होता है अगर वो देखें तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ऊपर से नीचे तक और लास्ट एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर हम देखें पेंसिल पेंसिल को भी हम न्यू पेंसिल को भी अगर हम बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो वो दोनों पोश्च आइडेंटिकल होंगे आप कोई और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू नाउ। क्वेश्चन नंबर टू इज फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन एल वन और एल टू मिररल लाइन क्या होगी इस गिवन फिगर में एल वन और एल टू की तो देखिए आपको इस फिगर में से देख के बताना है कि L1 वन मिररल लाइन है या L2 टू लाइन है तो अगर मिरर लाइन का मतलब है ऐसी जगह लाइन होना कि दोनों पोर्शन आइडेंटिकल आए तो अगर हम L1 देखते हैं तो ये पोर्शन इसके आइडेंटिकल नहीं है सेम नहीं है लेकिन अगर हम L2 देखते हैं तो ये पूरा पोर्शन इस पोर्शन के आइडेंटिकल है राइट तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइन L2 टू इज Identical identical as both sides of line of symmetry line of symmetry have mirror image mirror image लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड की जो इमेज है वो क्या है मिरर इमेज है तो L2 क्या है हमारी आइडेंटिकल है लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है देखना है एंड चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट और ये बताना है कि ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं कि नहीं है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल और उनके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनानी है तो कैसे करेंगे देखिए हम अपनी फिगर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए अब देखिए ये अगर देखें तो ये क्या है हमारा लॉक है अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करेंगे तो कहाँ करेंगे ये आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल बीच में से और अगर आप देखेंगे ये दोनों पोर्शन इक्वल हैं ये वाला पार्ट भी दोनों तरफ सेम है और ये पोर्शन भी दोनों तरफ सेम है तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी ऐसे आ जाएगी अब इस ग्लास में देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी तो देखिए अगर इस ग्लास में देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी जिसके दोनों तरफ के पोर्शंस सेम है अब लेकिन थर्ड फिगर में देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती देखिए अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं बना सकती और ऐसे भी नहीं बना सकती कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकती तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती राइट अब नेक्स्ट देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे फोन में अगर सिर्फ आप सर्कल्स देखते हैं इसके अंदर के नंबर्स नहीं देखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है अदरवाइज नॉट देखिए फ़ोन में ये क्या आ गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई देखिए ये पोर्शन आधा आधा है और यहाँ चार डॉट्स हैं यहाँ पे भी चार डॉट्स हैं और रिसीवर का भी देखिए यहाँ एक है और यहाँ सेम है दोनों तरफ तो ये क्या हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई अब इसी तरीके से अगर हम इस फिगर की देखते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बन पाएगी देखिए अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला इसके आइडेंटिकल है ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के आइडेंटिकल है तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री अब की बार ऐसे बनेगी अब इस केस में देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी तो देखिए इस पोर्शन में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी अब यहाँ पे भी ऐसे ही आ रही है स्लांटिंग लाइन और यहाँ पे भी स्लंटिंग, और इतना ही पोर्शन जितना यहाँ है उतना ही है। तो ये पोर्शन इस पोर्शन के आइडेंटिकल है तो ये हमारी थी लाइन ऑफ सिमेट्री उसने कहा था चेक करिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है तो ये सारे पोर्शंस ए बी डी ई एफ हमारे सिमेट्रिक हैं और ये हमने लाइन सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करके दिखाई है कि कैसे हो बनेगी तो दिस इज आर आंसर